नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी अपनी वैद्य उपेंद्र भारती। वेलकम बैक टू हेल्थ विद्स बाय भारती क्लिनिक। फ्रेंड्स, गर्मी बढ़ती जा रही है। दिन का तापमान 44 डिग्री को पार कर चुका है और केवल भारत में ही 2023 वर्ष के आखिर तक गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक के कारण 264 मौतों का डेटा रिकॉर्ड किया जा चुका था। ऐसे में हम ऐसा क्या खाए पिए अपनी डेली रूटीन में कि हम इस हीट वेव से खुद को बचा कर रख सके। तो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप अपनी डेली रूटीन में सैलेड के रूप में कच्चे प्याज का इस्तेमाल जरूर करें। कच्चा प्याज जो कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीकैंसरस जैसी प्रॉपर्टीज से भरपूर है। इसके साथ ही साथ ये बॉडी को बहुत ही अच्छा कूलेंट इफेक्ट देता है। लेकिन जो लोग ब्लड थिनर्स का यूज करते हैं उनको बस इसका इस्तेमाल कुछ कम मात्रा में करना है। इसके अलावा नंबर दो पर आप डेली रूटीन में लौकी का जूस ले सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा एक गर्मी में कूलेंट का इफेक्ट देता है हमारी बॉडी में। लेकिन जिन लोगों को ज्वाइंट पेन या आर्थराइटिस रहता है उन लोगों को इसका इस्तेमाल कुछ कम करना है या कम मात्रा में करना है। इसके अलावा बहुत ही सस्ता सा एक हेल्थ ड्रिंक है हमारे पास, जौ का सत्तू, और इसको हम गर्मी में डेली की तरह यूज कर सकते हैं। पेट के लिए कूलेंट का इफेक्ट देता है, अंदर की गर्मी को बाहर निकालता है। उसके अलावा नंबर चार पर हमारे पास आ जाता है बिल का शरबत। बिल का शरबत जो कि बहुत ही अच्छा एक एंटीबैक्टीरियल भी है और साथ साथ डायबिटिक पेशेंट्स पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। IBS पेशेंट भी इसको डेली यूज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा कूलेंट तो है ये हमारी बॉडी के। नंबर पांच पर है तरबूज। बहुत ही अच्छा गर्मियों के फलों का राजा कहलाता है और ये बॉडी को हमारी एल्कलाइन करता है। इट इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, ग्लाइकोसाइड्स एंड विटामिन्स आल्सो। इसके बाद नंबर सिक्स, यू कैन यूज अ फुल बाउल ऑफ कर्ड और कर्ड बेस्ड बीवरेजेस लाइक लस्सी, बटर मिल्क, छाछ आर आइडियल फॉर कूलिंग डाउन योर बॉडी। नंबर सात पर आप आम का पन्ना बनाकर उसको घर में डेली ड्रिंक की तरह यूज भी कर सकते हैं और आपके मेहमानों को भी एक बहुत ही अच्छा उनकी बॉडी को कूलेंट की तरह उसको सर्व कर सकते हैं। नंबर नौ पर और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा और गोंद ये बहुत ही अलग चीजें हैं दोनों। गोंद कतीरा जो कि बहुत ही अच्छा कूलेंट इफेक्ट हमारी बॉडी को देता है। इट इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ फाइबर। इसके लिए कोलेस्ट्रॉल पे भी ये चेक रखता है। साथ ही साथ हमारी जो महिलाएं, हमारी जो बहनें हैं उनकी हर तरह की गायनी की प्रॉब्लम, DUB हुआ, लिकोरिया हुआ, मेनोपॉजल सिम्टम हुए, सब में ये बहुत ही अच्छा हेल्प आउट करता है। साथ ही साथ मेल्स में भी ऐसा मिथ है, देखिए माना जाता है कि ये मेल वाइटिलिटी को कम करता है। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेल्स की वाइटिलिटी को बहुत ही अच्छा बल्कि बढ़ाने में हेल्प आउट करता है और हमारे लिए, हमारी आंखों के लिए, हमारे पेट के लिए गर्मी में सबसे बेस्ट कूलेंट का काम ये करता है गोंद कतीरा।